नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 महाभारत का 14वां पाठ जरासंध का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा इंद्रप्रस्थ पाठ में कि पांडवों ने अपने पूर्वजों की राजधानी खांडवप्रस्थ को पुनः बसाकर उसका नव निर्माण करके इंद्रप्रस्थ नाम रखा और वहां रहते हुए पांडवों ने 23 साल तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक शासन किया। आज आगे देखते हैं, इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों ने सलाह दी कि महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करके राजाधिराज अर्थात सम्राट पद को प्राप्त करना चाहिए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को पता चला कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो वे तुरंत द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे मित्र और भाई चाहते हैं कि मैं राजसूय यज्ञ करके और सम्राट का पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारे संसार के राजाओं द्वारा पूज्य हो और सभी के द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांतिपूर्वक कृष्ण ने सुनी, फिर कहा, मगध देश का राजा जरासंध सब राजाओं को जीत चुका है, उन्हें अपने अधीन कर लिया है। सभी उसका लोहा मानते हैं, उससे हार मानते हैं, उससे डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसा शक्ति संपन्न राजा भी उसके नाम से घबराता है। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन राजसूय यज्ञ कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया, तब मैंने और मेरे मित्रों ने 3 बरस तक उसके साथ युद्ध किया। अंततः हम हार गए और हमें मथुरा छोड़कर द्वारिका में जाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश बनने में कर्ण और दुर्योधन को भले कोई आपत्ति ना हो, लेकिन जरासंध से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। बगैर युद्ध के जरासंध बिल्कुल नहीं मानेगा। जरासंध ने आज तक हार का मुंह तक नहीं देखा है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जिन राजा महाराजाओं को बंदी गृह में डाल रखा है, जेल में बंद किया हुआ है, किसी ना किसी उपाय से यदि उनको छुड़ा लिया जाए उसके बाद आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आप ठीक कहते हैं। इस विशाल संसार में कितने ही राजा महाराजाओं के लिए जगह है। वे अपने अपने राज्य को लेकर खुश हैं, शांति से जीवन जी रहे हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है, और मेरी भलाई इसी में ही है कि जो कुछ मेरे पास है उसे लेकर ही मैं संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाएं, तो कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं? यदि हम तीनों एक साथ चल पड़ें तो जरासंध को अवश्य ही हरा कर लौटेंगे। आप इस बात की शंका बिल्कुल ना करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम तीनों जाकर जरासंध की जेल में पड़े हुए उन राजाओं को रिहा करा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस काम को करने में प्राणों पर बनाने का डर हो, यानी प्राण जाने का जहाँ भय हो, तो उस विचार तक को छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर वीर अर्जुन बोला, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें तो धिक्कार है हम पर और हमारे जीवन पर। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम उसे नहीं कर सकेंगे? श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गया और बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही उम्मीद थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीम
और अर्जुन साधु का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर सुंदर सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए मगध देश यानी जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बहुत आदर सत्कार किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत किया हुआ है, आधी रात के बाद जब इनका व्रत खुलेगा तब ये बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया, तीनों अतिथियों को यज्ञशाला में ठहराकर खुद महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि यदि उसके यहाँ आते थे तो वे अपनी सुविधा अनुसार बात करने और ठहरने की छूट उन्हें देता था, ये उसका साधारण नियम था। जब आधी रात को जरासंध वहां आया तो तीनों अतिथियों के रंग ढंग देखकर उसे शंका हुई। जरासंध ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? ब्राह्मण तो नहीं लगते हो। इस पर तीनों ने सही सही हाल कह सुनाया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं और इसी समय हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से जिससे भी चाहो तुम द्वंद्व युद्ध कर सकते हो। फिर क्या था, भीमसेन और जरासंध में युद्ध शुरू हो गया, कुश्ती होने लगी। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, गिराते, लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बिना 13 दिन और 13 रात लगातार दोनों लड़ते रहे, लेकिन कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा था। 14वें दिन जरासंध थककर थोड़ा विश्राम करने बैठ गया। इसी समय कृष्ण ने इशारे से भीम को समझाया और भीम ने उठाकर जरासंध को पटक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जो जरासंध की जेल में कैद थे। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की गद्दी सौंपकर वो वापस लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठ की अधीनता में ले आए, यानी राजस्व यज्ञ किया और महाराज युधिष्ठ को राजाधिराज की पदवी मिली। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया, इसमें समस्त भारत के राजा मौजूद थे। जब आए हुए नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी ये बात अच्छी लगी। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण की पूजा की जाए। सहदेव ने विधि पूर्वक कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा और वह जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। सब लोगों का ध्यान उसकी ओर गया तो उसने कहा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर पराक्रमी राजा जरासंध की हत्या करवाई उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास कतई नहीं है। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। महाराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे पीछे दौड़े और अनुनय विनय करके उनको लौटाने का प्रयास करने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना, उसका हठ और घमंड बढ़ता ही गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया और इस प्रकार शिशुपाल कृष्ण के हाथों मारा गया। राजस्व यज्ञ संपूर्ण हुआ, महाराज युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।